अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर शहर बस अड्डे के पास दिनों दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने मांग तेज कर दी। जल्द ही संगठन के द्वारा डीसी विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष भी ओवरब्रिज बनाने के मुद्दे को रखा जाएगा ताकि जल्द समस्या का समाधान हो सके। दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर की मासिक बैठक वन विश्राम गृह में आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। हमीरपुर बस अड्डे के पास दिनों दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने मांग तेज कर दी है। जल्द ही संगठन के द्वारा डीसी विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष भी ओवरब्रिज बनाने के मुद्दे को रखा जाएगा ताकि जल्द समस्या का समाधान हो सके। दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर की मासिक बैठक वन विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस अवसर पर कुल्लू जिला के बंजार में हुई बस घटना पर 2 मिनट का शोक व्यक्त किया। वहीं बैठक में हमीरपुर जिला में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए 2 हेलमेट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। उपभोक्ता संरक्षण संगठन की आज यहां पे बैठक हुई। बैठक में बहुत से मुद्दे जो थे वो विभिन्न लोगों द्वारा उठाए गए। इनमें कई समस्याएं थी, उनके बारे में भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कुल्लू के बंजार में हुई बस दुर्घटना है उसके ऊपर मौन रखकर उस पर शोक व्यक्त किया है तथा जो परिवार हैं उनके साथ सांत्वना व्यक्त की है। इसके साथ ही जो हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक फैसला लिया गया है कि 2 पहिया वाहनों पर दोनों व्यक्तियों को जो है वो हेलमेट कंपल्सरी कर दिया गया है, तो इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं कि जो भी है यहाँ पे जितने भी 2 पहिया वाहन, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो पेश आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा कि बहुत सी दुर्घटनाएं जो हैं वो पेश आई और काफ़ी युवा जो हैं वो मौत का एक ग्रास में चले गए, तो इससे ना केवल उनके परिवार बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत ही दुखद घटना होती है। तो इन घटनाओं से बचने के लिए जो पुलिस अधीक्षक द्वारा ये फैसला लिया गया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बैठक में मेडिकल कॉलेज के साथ आयुर्वेदिक अस्पताल में कई तरह के केमिकल नहीं होने से सीनियर सिटीजनों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया कि सीनियर सिटीजनों को पेश आ रही समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा। बैठक में आई एक शिकायत पर निर्णय लिया गया कि कुछ पंचायतों के द्वारा कागज की प्लेट के चलान किए जाने पर संबंधित विभाग से पूरा पता लगाया जाएगा कि किस तरह के प्लेट का चलान किया जा सकता है। अस्पताल है और जो जिला अस्पताल है वहाँ पे कई प्रकार के जो टेस्ट हैं वो कई केमिकल्स ना होने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बहुत ही शोचनीय विषय है कि इस तरह से मामला जो है लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में हमने लिखने का फैसला लिया है, दोनों विभागों से मामला उठाने का फैसला लिया है और इसके साथ ही आयुर्वेदिक विभाग में जो वरिष्ठ नागरिकों के टेस्ट जो फ्री में किए जाते थे ऐसा हमें सूचना मिली है कि वो टेस्ट जो हैं बंद किए जा रहे हैं। तो आयुर्वेद विभाग को हम लोगों ने एक पत्र लिखने का निर्णय लिया है और उनसे आग्रह पूर्वक जो है वो हमने लिखने का निर्णय लिया है कि ये जो वरिष्ठ नागरिकों को फ्री टेस्ट की सुविधा दी जा रही है इसे बंद ना किया जाए। तो ये हमारे थे मसले। कुछ हमारे एक और महत्वपूर्ण मसला है कि गाँव में जो पंचायतें हैं वो जो प्लेट्स हैं कागज़ की प्लेट्स उन पे भी जो है वो चलान कर रही हैं, तो हमें एक कंप्लेंट आई है कि उन पे भी चलान कर रही है। तो अब ये हमें क्लैरिफिकेशन जो है विभाग से मांगी है कि कौन सी प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चलान किया जा सकते हैं। एक प्लेट्स जो है पॉलीथीन से बनी होती है और एक जो है कागज़ की है, तो कागज़ की प्लेट्स के ऊपर भी बैन लगा है या नहीं लगा है या उनके चलान किया जा सकते हैं, इस संदर्भ में हमने जो है क्लैरिफिकेशन जो है विभाग से मांगी है। संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने बताया कि मासिक बैठक में लोगों की आई हुई समस्याओं पर चर्चा की गई, तो बस अड्डे के पास ओवरब्रिज बनाने के लिए जल्द ही डीसी एमएलए और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस मामले को रखा जाएगा। इसके साथ ही संगठन के द्वारा शहर में खुले में बिक रहे फल और पकवानों के लिए भी संगठन के सदस्य दौरा कर चेकिंग करके दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही हम एक मामला है कि जो हम लोगों ने एक मामला उठाया था बहुत पहले से और उसे सैद्धांतिक रूप से सरकार ने माना भी था कि हमीरपुर में ओवरब्रिज जो है बस स्टैंड के पास और एक दो जगह और हैं वहाँ पे बनाया जाए,
तो उस पर मंजूरी तो मिली है लेकिन उस पर एक बजट का प्रावधान नहीं हो पा रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने जो केंद्रीय मंत्री हैं हमीरपुर से हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे ये मसला उठाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी हैं, उनसे भी ये मामला उठाया जाएगा, उपायुक्त हमीरपुर से भी ये मामला उठाया जाएगा, ताकि लोगों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। तथा हमीरपुर में देखने में आया है कि कई सब्जी की और जो फलों की जो रेड़ियां हैं या दुकानें हैं वहाँ पे फल काट के रख दिए लेकिन उनको ढका नहीं जाता है, सारा दिन उनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं। तो अब ये हमने स्वास्थ्य विभाग से इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने का जो है हमने आग्रह किया है और हम लोग ये खुद भी जाके निर्णय लिया है हम लोगों ने कि खुद भी जाके इस पर चेक करेंगे और विभाग के लोगों को अपने साथ लेंगे और लोगों को एक बार तो हम समझाएंगे, अगर नहीं होता है तो उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।